नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया, आपके साथ मैं ज्योति वर्मा। ढिलवा रोड पर स्थित कैनरा बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण में आज सिलाई प्रशिक्षण ले चुकी 30 लड़कियों को सिलाई के प्रशिक्षण स्वीकृति सर्टिफिकेट बांटे गए। इसके साथ ही इस आयोजन में लड़कियों द्वारा बनाए गए डिजाइनर वस्त्रों की नुमाइश भी लगाई गई। बता दें कि प्रोग्राम के मुख्य अतिथि के रूप में जनक राज गार्गी, नीरू जिंदल और दर्शना सिंघल मौजूद रहीं। और साथ ही संस्था के निदेशक श्री गोपाल कृष्ण ने बताया कि ये संस्थान 2012 में कैनरा बैंक की तरफ से खोला गया था, जिसके बाद से लेकर अब तक ये संस्थान करीब 3000 से ज्यादा बच्चों को प्रशिक्षण देकर उन्हें समर्थ बना चुका है। आइए सुनते हैं इस संस्थान के निदेशक और प्रशिक्षण टीचर को। मैडम, मेरा नाम परमिंदर कौर है, कैनरा बैंक सरकारी संस्थान एक महीने की ट्रेनिंग दी है। वो सू बकायदा इस सिखलाई संस्थान वालों सू सिलेबस दिता जाता, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग असं बच्चों को काम करवाने। वो बच्चे इस तरह के जिन्होंने बिल्कुल सिलाई तो अंटा चाहते हैं, वह बच्चे भी होंगे, थोड़े बहुत ट्रेन बच्चे भी होंगे, पर साढ़े सिखाने का ढंग इस तरह बच्चे का इंट्रस्ट बन जाता है डिजाइनिंग करने का। उस तो बाद बच्चे अपने पैर से खड़ा होना उन्होंने लगता भी हाँ अभी हो जाएंगे। हाँ जी, कैनरा बैंक स्वरोजगार सिखलाई संस्था कपा मंडी इस वालों एक वूमेन ट्रेनरी बैच चल रहा है जो कि 30 दिन का सी। अज उस बैच का ओपनिंग डे है, उसके सारे विद्यार्थियों को असं सर्टिफिकेट जो है बन रहे हैं। इस सर्टिफिकेट की बहुत ज्यादा वैल्यू है, सरकारी संस्था है। इस सर्टिफिकेट नाल ओ अगे अपना भी सिखाई केंद्र खोल सकदियां ने लड़कियां। सानू बहुत खुशी है कि लड़कियां ने पूरी मेहनत नाल ते पूरी लगन नाल ये कोर्स पूरा कीता है। ये थी तपा मंडी से नरेश गर्ग की रिपोर्ट। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।